आदिशक्ति प्रकृति रूपा माँ भगवती को नमन करने के साथ ही मैं ममता आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद जरूर आएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चैत्र नवरात्रियों के विषय में कि कब कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है और किस दिन किस देवी की पूजा की जाएगी। तो दोस्तों उससे भी बात करते हैं कि माँ आएंगी कैसे। देवी भागवत पुराण के अनुसार यदि नवरात्रि बुधवार से शुरू होती है तो माँ नाव पर सवार होकर अपने भक्तों से मिलने आती हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक नाव की सवारी का मतलब है कि इस साल खूब वर्षा होने वाली है, साथ ही कई स्थानों पर बाढ़ के आसार भी बन सकते हैं। नवरात्रि का समापन, अगर नवरात्रि के समापन की मैं बात करूं तो 2 अप्रैल को गुरुवार होगा। आशा है कि माता हाथी पर सवार होकर हम सबसे विदाई लेंगी। बारिश तो अच्छी होनी ही है, तो कृषि के लिहाज से ये वर्ष बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों माँ भगवती दुर्गा की आराधना में समर्पित नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, एक वासंतिक और एक शारदीय नवरात्रि। वासंतिक नवरात्रि को ही चैत्र नवरात्रि भी कहा जाता है, जिसका प्रारंभ बुधवार 25 मार्च को हो रहा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। इस बार चैत्र शुक्ल यानी प्रतिपदा 25 मार्च से विक्रम संवत्सर 2077 का प्रारंभ होगा। तो अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए अपने प्रियजनों के साथ नववर्ष जरूर मनाइएगा, यानी कि नवरात्रि और हिंदू नववर्ष का प्रारंभ एक ही दिन हो रहा है। इस वर्ष नवरात्रि 25 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक रहेगी। 2 अप्रैल को नवमी तिथि होगी और 3 अप्रैल को दशमी के साथ ही नवरात्रि का पारण किया जाएगा। आइए जानते हैं कि इस वर्ष नवरात्रि के लिए कलश स्थापना किस दिन होगी और देवी आराधना कैसे की जाएगी। 25 मार्च के दिन यानी कि बुधवार को कलश स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से की जाएगी। 26 मार्च गुरुवार के दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 27 मार्च शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा के गौरी स्वरूप की पूजा होगी। 27 मार्च शुक्रवार के दिन जैसे कि गौरी के रूप की पूजा की मैंने बात करी, अगर मैं बात करूँ चौथे दिन की तो माँ कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। वहीं 29 मार्च रविवार को स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता के रूप में माँ दुर्गा की पूजा होगी। 30 मार्च सोमवार को छठा दिन होगा और माता कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 31 मार्च को मंगलवार के मंगल दिन में माता कालरात्रि की पूजा अर्चना करेंगे। 1 अप्रैल बुधवार को दुर्गाष्टमी को महागौरी की आराधना की जाएगी। 2 अप्रैल गुरुवार को माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये तो थी दोस्तों 9 दिनों में किन 9 दुर्गाओं के बारे में कि हम कैसे पूजा करेंगे और किन की पूजा करेंगे। अब बात करते हैं चैत्र शुक्ल नवमी के दिन ही भगवान राम ने भी अयोध्या की पावन धरा पर जन्म लिया था, इसीलिए इस तिथि को रामनवमी के रूप में भी मनाया जाता है। बहुत सारे क्षेत्रों में नवमी के दिन से अखंड रामायण का पाठ शुरू किया जाता है, जिसका पारायण दशमी की तिथि को किया जाता है। क्योंकि कुछ वायरस कोरोना वायरस के चलते अभी लोग अपने घरों में हैं, तो ये एक इसको अच्छे अवसर के रूप में भी आप ले सकते हैं। क्योंकि सारे परिवार मिल के रह रहे हैं, सभी लोग घरों में हैं, तो नवमी की तिथि से आप लोग भी श्री रामचरित यानी कि अखंड रामायण का पाठ शुरू कर सकते हैं। अखंड रामायण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बीच में ब्रेक नहीं होता। जैसे कि हमारे घर में 4 सदस्य हैं, अगर मैं पाठ कर रही हूँ, मुझे किसी भी नित्य कार्य के हेतु उठना पड़ता है, तो कोई दूसरा सदस्य आके उसको कंटिन्यू करेगा और जब मैं वापस आ जाऊँगी तो फिर मैं वहीं से आगे कंटिन्यू करती हूँ, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार से दसवीं के दिन तक ही ये ख़त्म हो पाती है, तो दसवीं के दिन इसका पारायण किया जाता है। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। नवरात्रि के 10वें दिन हवन आदि करने के बाद पारायण करने का समय होता है। ब्राह्मण को दान इत्यादि देने के बाद व्रत करने वाले स्त्री या पुरुष को भोजन ग्रहण कर व्रत को पूर्ण करना चाहिए। बहुत सारे लोग दुर्गा अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करके व्रत खोल लेते हैं, परंतु मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहती हूँ, या तो आप व्रत ना रखें, सुबह स्नान करके पूजा करें, माता भाव की भूखी हैं, और यदि व्रत रखें तो नियम पूर्वक रखें। माता के 9 रूप माने जाते हैं, तो आप माता के 9 व्रत
उसके पश्चात ही अपनी आराधना को पूर्ण करें, यानी कि पूर्ण विराम दें। बाकी आप समझदार हैं, जैसी आपकी इच्छा आप वैसा कर सकते हैं। मेरा कार्य था या मेरा जो मकसद था वो था कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो कि हम कैसे कर रहे हैं, उचित कर रहे हैं अनुचित, इसीलिए मैंने आपको जानकारी से अवगत कराया। घट स्थापना का मुहूर्त 25 मार्च 6:19 से 7:17 तक रहेगा दोस्तों। तो ये थी जानकारी, मैंने पूजा की विधि विस्तार में नहीं बताई, वो इसीलिए क्योंकि हम हर वर्ष में 2 बार नवरात्रियों की पूजा करते हैं, तो इसकी जानकारी हमको होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को शेयर करना ना भूलें, और साथ में लगा हुआ सब्सक्राइब बटन, जो बेल बटन होता है, उसको प्रेस भी करिए। राधे राधे, जय।